हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल वीडियो। टुडे आई एम हेडेड टू अ फैसिनेटिंग न्यू डेस्टिनेशन कॉल्ड कुलधारा विलेज इन राजस्थान। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू थ्रू द रूट फ्रॉम जैसलमेर टू कुलधारा विलेज। लेट्स हिट द रोड एंड एक्सप्लोर टुगेदर। कुलधारा पहुंचने के लिए आपको जैसलमेर आना होगा। जैसलमेर से कुलधारा की दूरी 18 किलोमीटर की है। कुलधारा पहुंचने में हमें आधा घंटे के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता है जैसलमेर से। अगर आप सैम डेजर्ट घूमने जा रहे हो तो आप कुलधारा विलेज को भी घूम सकते हो, क्योंकि बीच रास्ते के अंदर ही आता है। जब हम हाईवे पे जाते हैं तो एक कट आता है जहां से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कुलधारा विलेज स्थित है। अगर आप लोग भी कुलधारा विलेज घूमने जाना चाहते हो तो आपको रेंट के ऊपर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, या आप रेंट के ऊपर टू व्हीलर भी ले सकते हो। यहाँ आपको जगह जगह टू व्हीलर रेंट के ऊपर मिल जाते हैं, और यहाँ टू व्हीलर का जो रेंट है वो होंडा एक्टिवा का रेंट यहाँ पर 300 से 400 के बीच में है, और अगर आप बाइक हायर करते हो तो उसका रेंट 500 से 700 के बीच में है। बाकी आप नेगोशिएशन कर सकते हो। जैसलमेर से कुलधारा जाने के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट बस नहीं मिलती है, या बस की फैसिलिटी हमने देखी ही नहीं है। हमने लोकली पूछा था कि अगर हमें कुलधारा जाना है तो हम किस तरीके से जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप कुलधारा जाना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप टैक्सी हायर कर लो, या रेंट पर बाइक या टू व्हीलर ले लो। और यूजुअली यहाँ पे ट्रैफिक रहता नहीं है रोड पर। कुलधारा घूमने में आपको टोटल 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आप जैसलमेर से कुलधारा का प्लान कर रहे हो, 1 घंटा आपके आने जाने के लिए और 1 से 2 घंटे आपके घूमने के लिए। और अगर आप सैम डेजर्ट जा रहे हो, अगर आप कैंप में रुकने वाले हो, तो आप सीधे जैसलमेर से निकल के कुलधारा घूम सकते हो, और कुलधारा में 1 घंटे बिताने के बाद आप सीधा सैम डेजर्ट जा सकते हो। कुलधारा विलेज फेमस है अपने हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि राजस्थान जैसलमेर के अंदर आता है। ये रातों रात विलेज खाली हो गया था, और उसके बाद यहाँ के लोग श्राप दे के चले गए थे कि यहाँ पर कोई भी बस नहीं पाएगा। उसके बाद से आज तक यहाँ पर कोई भी बसा नहीं है, यहाँ पर खंडर ही खंडर है। ये कुलधारा विलेज में काफ़ी सारे टीवी सीरियल की और मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, और ये विलेज काफ़ी वीराना और खंडर ही खंडर है। यहाँ पर बताया जाता है कि शाम को यहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है, कोई भी यहाँ पे रात में रुकना नहीं चाहता है। और अब ये एशिया के हॉन्टेड प्लेसों में गिना जाता है। भारत ही नहीं, अगर हम सारी दुनिया की बात करें तो भूतिया जगहों में से एक कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव स्थित है। 200 वर्षों से यहाँ पर कोई भी बसा नहीं है, और ये भूतिया जगहों के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे पर बसाया था। उस समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि यहां पर कोई भटकते हुए भी डरता है। कुलधारा गांव ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जिन्हें पालीवाल बोला जाता था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर गए थे और कुलधारा गाँव में बस गए थे। यहाँ पर उन्होंने एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उन्होंने उदनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। कुलधारा गांव फेमस है अपनी एक रात में गांव वालों के गायब होने की कहानी से। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहां के लोग बेहद परेशान रहते थे। ये गांव एक मंत्री के अंतर्गत आता था, जिस मंत्री का नाम सलीम सिंह था, जिसके अंतर्गत ये जागीर या राज्य आया करता था। और उस मंत्री की नज़र यहाँ के प्रधान की लड़की के ऊपर पड़ गई थी, और उसने धमकी दे डाली थी, और उसका विरोध करने पर वो उनसे और कर वसूलने की प्लानिंग करने लगा था। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव वाले यहाँ से रात रात गायब हो गए थे। गांव वाले गांव को वीराना छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय
गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं बस पाएगा। कुलधारा गांव एक ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। कुलधारा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो अब खंडहर हो चुका है। कुलधारा में एंट्री फीस 10 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप कार लेके अंदर जाते हो तो आपको 50 रुपये अतिरिक्त देने होगा गाड़ी का शुल्क। कुलधारा घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है क्योंकि ये जगह काफ़ी गर्म रहती है, और यहाँ पे सबसे अच्छा समय माना जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच का। यहाँ से अब हमें लेफ्ट टर्न करना है कुलधारा विलेज के लिए। स्ट्रेट रोड हमारी सैम डेजर्ट जा रही है। यहाँ से कुलधारा की दूरी 5 से 7 किलोमीटर की है।
जैसलमेर से आधा घंटा चलने के बाद अब हम कुलधारा पहुंच चुके हैं और ये कुलधारा विलेज का एंट्री गेट है। यहाँ से हमें एंट्री टिकट लेना होता है।